Kepler's third law states that square of period of revolution of a planet around the sun is proportional to third power of average distance between sun and planet. T square is equal to k into r cube. Here k is constant. If the masses of the sun and the planet are capital M and small m respectively, then as per Newton's law of gravitation, force of attraction between them is. Okay, so okay, we will solve. If basic is strong, we can solve easily this one. इधर देखो, हमको पता है एक प्लैनेट सन के चारों तरफ रोटेट हो रहा है. ओके, देन इट इज अ विच फोर्स? सेंट्रीपेटल फोर्स. सो हियर वी नो दैट ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड्स नेसेसरी सेंट्रीपेटल फोर्स. यस, इक्वेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नेसेसरी सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइडेड बाय हुम? ग्रेविटेशनल फोर्स. सो वी नो दैट ग्रेविटेशनल फोर्स जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर, सेंट्रीपेटल फोर्स एम वी स्क्वायर अपॉन आर. सो आर आर कैंसल, सो वी स्क्वायर इज इक्वल टू एम एम कैंसल, वी स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर. इधर देखो, वेलोसिटी मिला. ओके, वी नो दैट टाइम पीरियड हम कैसे कैलकुलेशन करते हैं? टाइम पीरियड इज इक्वल टू, मैं क्या लिख सकता हूँ, टाइम पीरियड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. सो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. ओके, एक प्लैनेट वन कंप्लीट रेवोल्यूशन कंप्लीट किया, एक प्लैनेट वन रेवोल्यूशन कंप्लीट किया, ये कितना डिस्टेंस को कवर करता है? यस, वेरी गुड, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, दैट इज 2πr. सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल 2πr. स्पीड कितना है? v है. ओके, इसको स्क्वायर करो, टी स्क्वायर 4π स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, देन वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4π स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, बोले तो जी एम अपॉन आर. ओके, ठीक है भाई. देन बाद में इस आर को ऊपर भेजो, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4π स्क्वायर आर क्यूब अपॉन जी एम, कॉल इक्वेशन नंबर 1. ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया है? टी स्क्वायर इज इक्वल टू के इंटू आर क्यूब दिया है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है इक्वेशन. इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करो, इधर टी स्क्वायर है, इधर भी टी स्क्वायर है, इधर आर क्यूब है, इधर भी आर क्यूब है. सो के का वैल्यू कितना होता है? सो के का वैल्यू 4π स्क्वायर अपॉन जी एम होता है. सो इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, कितना होता है? जी एम के इज इक्वल टू 4π स्क्वायर होता है. सो बेस्ड ऑन दिस वी कैन से विच ऑप्शन इज करेक्ट चिल्ड्रन. यस, ऑप्शन डी वुड बी द राइट आंसर.